हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वाई टू मैथ क्लासेज में। आज हम लोग इस वीडियो में मैथ के कुछ बेहतरीन प्रश्नों को लेकर आए हैं। इससे पहले आपके लिए एक सूचना है कि हमने आपके लिए फेस टू फेस वीडियो यानी कि फेस टू फेस पढ़ाने का नया चैनल बनाया है। आप वहां से यानी कि उस चैनल पर जाके हमसे फेस टू फेस पढ़ सकते हैं। उसका लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन में डलवा दिया है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो फिर चलिए दोस्तों, देखिए आज हमने प्रश्न में क्या लिया है। एक महिला और एक पुत्री की औसत आयु 21 वर्ष है। उनकी आयु का अनुपात क्रमशः 5:1 है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? यानी कि हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से सही उत्तर हमें बताना है। तो देखिए दोस्तों, इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर लिखा है एक महिला और एक पुत्री, यानी कि दोनों को मिलाकर कितना हो गया, दोनों को मिलाकर हो गया यहाँ से 2, यानी कि एक महिला और एक पुत्री मिलाकर हो गया 2। और देखिए उसकी औसत आयु कितनी है, 21 है, इसमें हम कर देंगे 21 से गुणा, तो यहाँ से हमारे पास कितना हो गया, 21 दूनी हो गया हमारे पास 42 के 28। हाँ चलाइए, अम्मी यहां से दोस्तों देखिए, यह हो गया हमारा 21 दूनी 42। अब देखिए उसके बाद प्रश्न क्या दिया है, उनकी आयु का अनुपात 5:1 है, यानी कि आयु का अनुपात 5:1 है। तो टोटल अनुपात हमारे पास यहाँ से कितना हो गया, टोटल अनुपात मिलाएंगे तो होगा हमारे पास 5:6, यानी कि अब हम इसी अनुपात में यानी कि अनुपात का योग करेंगे और उससे हम 42 में भाग लगा देंगे। कितनी बार गया, यह गया हमारे पास 7 बार। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से हो गया 1:7 और 5:1 कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 35 और 1:7 हो जाएगा 7। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न पूछा यानी कि प्रश्न में बोला है हमसे 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष इसमें हम ऐड कर देंगे दोनों अनुपातों में, यहाँ पर 5 जोड़ेंगे और यहाँ पर 5 जोड़ेंगे, तो यह कितना हो गया, यह हो गया 40 और यह हो गया 12। अब इसको हम काट देंगे 4 से, तो यह हो गया 4 दहम्मा 40 4 तियाई 12, यानी कि हमारा राइट उत्तर हो गया 10:3 हमारा सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में हमारे पास दिया था। तो फिर चलिए दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारे पास दिया है, ए बी और सी का औसत वजन 45 किलोग्राम है। यदि ए और बी का औसत वजन 40 किलोग्राम हो और बी और सी का औसत वजन 43 किलोग्राम हो, तो बी का वजन किलोग्राम में कितना होगा? तो देखिए दोस्तों, यह भी औसत का ही यानी कि औसत चैप्टर का ही प्रश्न है। तो देखिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यानी कि ए बी और सी यानी कितने लोग हुए, यहाँ से हुई हमारे पास 3 लोग। और देखिए इनकी औसत वजन कितना है, 45 है, तो यहाँ पर हम कर देंगे 45 से गुणा, तो कितना हो गया, 5 तियाई 15 हासिल लगा, 1 हासिल बचा 1, 4 तियाई 12 1 13, यानी कि यहाँ से हो गया हमारे पास 135। अब देखिए उसके बाद दिया है ए और बी का औसत वजन 40 है, यानी कि ए बी बराबर हो गया कितना, 2, और औसत वजन कितना है, 40 है, तो गुणा कर देंगे 40 से, क्या हो गया 40 दूनी 80। अब उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ से बी और सी का औसत वजन 43 है, तो बी और सी कितना है, 2 हैं, यानी कि 2 लोग हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे 2, गुणा कर देंगे कितना, 43, यानी कि औसत वजन हमारे पास यहाँ से 43 है, तो हो गया 43। अब इसका गुणा करेंगे कितना होगा, 43 दूनी 86, यानी कि देखिए अब हम इन दोनों को जोड़ेंगे और इसमें से इसको माइनस कर देंगे, तो देखिए यहाँ से कितना हो गया, यह हो गया हमारे पास 166, यानी कि 166। अब 166 में हम 135 को माइनस कर देंगे, तो यह हो गया 6 में 5 गए 1, 6 में 3 गए 3, 1 में 1 गए 0, यानी कि कुछ नहीं,
यानी कि 31 हो गया हमारा बी का वजन, जो कि ऑप्शन नंबर सी में हमारे पास दिया है। तो फिर चलिए दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि यह दोनों प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अगर मुझसे फेस टू फेस पढ़ना चाहते हैं तो कृपया आप हमारे चैनल पर जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल पर आल पर जाकर क्लिक कर दें, जिससे कि जो भी नई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो धन्यवाद दोस्तों, अब मिलते हैं अगले क्लास में कुछ बेहतरीन प्रश्नों के साथ।